होली के इस खास मौके पर सीरियल सुहागन में दिखेगा होली का जबरदस्त धमाल। जहां सीरियल सुहागन में मनाई जाएगी होली और इस होली को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए शामिल होंगे सीरियल डोरी, परनीति, मेरा बलम थानेदार के सभी कलाकार और फिर दिखेगा सीरियल में होली का जलवा सुहागन के संग जश्न के रंग। नीलो इज ऑल कलरफुल, तो नीलो ऑलवेज एक्साइटेड फॉर कलर्स एंड सेकेंडली जूम इज फेमस फॉर होली पार्टीज, तो हम लोग तो मतलब सदियों से खेलते आए, सो एक्साइटमेंट है क्योंकि कलर्स कलर्स है और जूम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यस द एक्साइटमेंट इज दुगना। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि कलर्स के साथ ही मेरा फर्स्ट टाइम है, तो ऑब्वियसली फेस्टिवल ही कलर्स का है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। त्यौहार होली जो है वो भी रंगों का ही त्यौहार है, तो शायद हम सब मिल करके यहाँ पर उस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि जब फाइनली होली आएगी तो आप सब भी उतने ही अच्छे से उतने ही प्यार से होली को एंजॉय करेंगे। तो अभी रिश्तों वाली होली है बिकॉज हम लोगों ने सारे जितने भी कलर्स परिवार में और भी शोज हैं उन सबको इनवाइट किया है हमारे शुक्ला परिवार के साथ होली मनाने के लिए, तो वही रिश्तों वाली होली है और हम उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है कुछ बुरा होने वाला है और देखते हैं कि बुराई पर अच्छाई जीतेगी या अच्छाई पर बुराई। बम फटने वाला है, बम फटने वाला है, सच में एक बहुत बड़ा बम फटने वाला है जो आपको देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में, तो देखते रहो सुहागन। बचपन में जो होली खेलते थे हम लोग मतलब पक्के कलर से खेलते थे और 10-15 दिन तक वो कलर निकलता नहीं था, यू नो बंगड़ी के कलर, साड़ी के कलर, ये सब पक्के कलर होते हैं, उससे बहुत खेली है। अब हमारे वर्सोवा में हमारे बिल्डिंग में काफ़ी अच्छी तरह होली मनाई जाती है, ऑर्गेनिक कलर्स आ गए हैं, तो जो कलर लगाते हैं आजकल तो फट से निकल जाते हैं, तो अच्छी बात है क्योंकि अगले दिन शूटिंग होती है तो उसके लिए दे आर सेवियर्स। एंड हमारे वहाँ बिल्डिंग में रेन डांस होता है, आज से आई थिंक 15-16 साल से हम लोग होली मना रहे हैं हमारे सोसाइटी में और वर्सोवा की वन ऑफ द बेस्ट होली बन रही है हमारे वहाँ, सो हाँ फिर ठंडाई होती है, खाना होता है। मुझे तो लगता है मैं टीवी सीरियल में इजाद हुआ है मेरा नेगेटिव रोल करना, मतलब मैंने किया ऐसा लगता है, सो नेगेटिव हाँ यहाँ पर काफ़ी ऐसे इविल वर्सेस पॉजिटिव ऐसा चल रहा है, सो इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कि जनता जब देखेगी तो बहुत मज़ा आएगा कि क्या हम लोगों की प्लानिंग हो रही है, हम कितना जीतते हैं और कितना टाइट फिश होता है वो तो देख कर ही पता चलेगा। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं डर जाती हूँ, अरे फिर से रंग लगेगा क्योंकि अब इतने सालों से हम हर शो में होली आती है तो इतना खेल चुके हैं, इतना नाच गाना हो चुका है, तो कहीं ना अब थोड़ा सा अब रियल लाइफ में मैंने होली खेलने बंद कर दिया क्योंकि मैं इतने सालों से बहुत होली खेल रही हूँ, तो या वैसे भी मुझे थोड़ा सा कलर से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट आई लाइक होली बिकॉज यू गेट टू मीट योर फ्रेंड्स, यू गेट टू स्पेंड टाइम विद देम और जो खाना पीना होता है और फिर नाच गाना होता है वो करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने कभी ऐसे पक्के रंग से कभी होली खेली नहीं है, मैं हमेशा ऐसे कम घर पे ऐसे बस शगुन के ऐसे गुलाल लगा लिया, बचपन में जो गुब्बारे जो एक दूसरे पे मारते थे ना वो बहुत खेली है और उससे ना छुपते भी थे कि डर भी लगता था कि वो लगता बहुत है जो जब ऐसे लड़के जब आपको मारते हैं तो बहुत लगता है, बट यही छोटी छोटी मेमोरीज है जिनको अभी भी हम बरकरार रखे हुए चलते हैं। मुझे तो कपड़ा फार होली पसंद है क्योंकि बहुत सारी होली मतलब जैसे मथुरा में होती है तो मैं मथुरा जाया करता था, तो वहाँ पर लठमार होली होती है, वो कीचड़ वाली होली होती है और बहुत तरह की होली होती है, तो मुझे तो सारी होली पसंद है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं पहले ही चला जाऊँ 20-25 दिन पहले चला जाऊँ द्वारका और उधर होली खेल करके आऊँ 25 दिन आराम से। मुझे तो ड्राई होली पसंद है, सिर्फ गुलाल के साथ खेलना पसंद है। ये भी कोई होली हुई क्यों यार, मतलब मुझे पसंद है। हमारे वर्सोवा में हमारे सोसाइटी में करीब 15 साल से होली मनाई जाती है और रेन डांस होता है, डीजे आता है, अच्छा 56 भोग लगता है, ठंडाई होती है, बहुत मज़ा आता है
और रंग भी कच्चे होते हैं तो अगले दिन उतर जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। 15 साल से धमाल कर रहे हैं हमारे पूरे वर्सोवा में, हमारे सोसाइटी में बनाते बेस्ट होलीज बनती हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज वो सब आते हैं और बहुत मज़े करते हैं हम लोग। मुझे खुद को नहीं पता मैं बस आई और मुझे बताया आपको किडनैप होना है, ओके दैट वाज माय रिएक्शन। तो हाँ ऐसा कुछ तो हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इस हमारा जो कलर्स का परिवार है बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, तो वैसे ही बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं, तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो ज़रूर उन्होंने किया होगा, और जो बेचारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं हमेशा की तरह। तो मैं जब देखती हूँ कि बुलबुल को कुछ लोग लेकर जा रहे हैं तो मैं उसे बचाने जाती हूँ, और इस दौरान मुझे भी किडनैप कर लिया जाता है। यस बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे फाइनल देख रहे हैं, होली जरूर सेलिब्रेट करें बट अच्छी। यस बिल्कुल, होली ज़रूर खेलनी चाहिए बट सेफ होली खेलनी चाहिए, और खूब मस्ती कीजिए अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और बुरा न मानो होली है, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं खाते नहीं, आई एम वेरी केयरफुल, भजिए कुजिए भुजिए कोई ये सब में गड़बड़ होता है ना, जो चीज़ अपने सामने बनी हो वही खाओ पियो, बाकी जो लंच वंच लगता है हमारे वहाँ जो बड़ा बुफे लगता है दैट इज़ ऑफ कोर्स बाय केटरर्स, और वो कुछ करेगा तो फिर उसकी बैंड बच जाएगी। तो हाँ मैं जान के मतलब मस्ती नहीं करी, मतलब मैंने जान के एक बार भांग पी हुई है, और वन फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद जो हालत ख़राब होती है ना, हाँ फॉर एक्सपीरियंस आई थिंक 10-11 साल पहले मैंने पी थी एक बार, और इट वॉज क्या हुआ तो मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं हंस रहा था पागलों की तरह, फिर मैं ऐसे ही पूरा रंगा हुआ था, काला पीला मोर बना हुआ था पूरा, ऐसा रंगीन हो गया था पूरा, उसके बाद मेरे बेड पे गिरा था उल्टा, और मैं मुझे ऐसा लग रहा था मैं खाई में गिरा हूँ और खाई ख़त्म ही नहीं हो रही है, और मैं हंस रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या माई वाइफ टोल्ड मी आई मीन वियर्ड फनी थिंग्स अबाउट मी, कि वो मैं फिर अगले दिन सुबह उठा था, फिर मैं दोपहर से सोया था, इट वॉज अ लॉन्ग स्लीप, वेरी बैड एक्सपीरियंस। अच्छी तो यही है मेरी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो होली खेली गई है, बुरी एक बार किसी ने अंडा फेंक दिया था मुझ पर होली में, और मैं बहुत रोई थी, तब मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी, और हाँ बस रोई थी बहुत। मेरे साथ तो आज तक अच्छी होली ही हुई है, बुरी होली हुई नहीं है, और जिनके साथ जिन दोस्तों के साथ मैं होली खेला करता था उनकी बुरी होली हो जाती थी जब अच्छे से रंग लगाया जाता था और उनको 2 दिन लगते थे रंग निकलने में जब। और इस होली में और भी 4 चांद लगाने के लिए आएंगे बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर फारूकी, जो अपने ही अंदाज में लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और इसी के साथ ही बिग बॉस सीजन 17 के कंटेस्टेंट नील और ऐश्वर्या स्टेज पर दिखाएंगे अपने प्यार का रंग। लेकिन इसी के साथ ही इस होली के रंग में पड़ेगा भंग जब होगा एक बड़ा धमाका भी। जी हाँ, सीरियल की सभी खलनायिका मिलकर करेंगी बहुओं पर अत्याचार, और होगा होली में बड़ा धमाका। हाँ थोड़ा बहुत पता है, और जितना पता है उससे भी थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि पीपल वुड लाइक टू वॉच इट। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट टाइप कुछ होने वाला है, वो कौन कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कुछ पता नहीं मुझे, मैं बचा तो उतना पता है। यस नीलू इज बीन नीलू, नीलू को कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा नहीं कि उसको किसी की खुशियों से प्रॉब्लम है, लेकिन जो उसके रास्ते में आएगा उसे तो हटाना उसके लिए मुनासिब है, उसे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी इस होली में इस तरह से जो भी हमारे होली में हमारे रंग में भंग मिला रहा है, हम कुछ इस तरह से सारे जो नेगेटिव्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये पॉजिटिव लोगों को हटाया जाए यहाँ से। तो अभी हमने एक किडनैपिंग टाइप्स प्लान किया है, जी बुलबुल की किडनैपिंग की है, एक 2 मास्क मैन हमने बुलाकर इस तरह से उसको उसके ऊपर कलर गिराकर उसको थोड़ा ऐसे जो उसे धुंधला दिख रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा तब तक किडनैपर्स आकर उसको किडनैप कर लेते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी हम प्लानिंग कर रहे हैं जो अभी तक सक्सेसफुल हो रही है, बाकी का तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वही सीरियल्स के सभी आदर्श बेटे और पति
मिलकर अपने प्यार को बचाने की करेंगे कोशिश। कुल मिलाकर सीरियल में होली के मौके पर दिखेगा बड़ा धमाका। हमें चौकन्ना रहना होगा, हमें अलर्ट रहना होगा। उसमें बारूद है। चोरी, 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 चोरी। बिलाव कितने एक्साइटेड हैं होली के इस धमाके को देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।